अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हमारे रेस्टोरेंट पे और सॉफ्टवेयर में डाइन इन की सेल्स आप किस तरह मैनेज कर सकते हैं टेबल वाइज। अब आते हैं डाइन इन पे, ये आप देख सकते हैं सारे टेबल आ रहे हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल वेटर आपके पास आता है, कहता है टेबल नंबर 3 पे ऑर्डर पंच कर दो। आपने 3 पे क्लिक किया, अब यहाँ पे चाहे तो वेटर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने सेलेक्ट कर दिया बशीर, ठीक है। अब मैं क्या ऑर्डर पंच कर रहा हूँ, मैंने कड़क चाय पंच कर ली, एक मैंने जो है वो अंडा पराठा पंच कर लिया, ठीक है। अब मुझे किचन में जाहिर सी बात है वेटर को पर्ची देनी होगी जो किचन में लेकर जाएगा। मैं प्रिंट क्यूटी करूंगा तो आपकी एक क्यूटी जनरेट हो जाएगी, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं आप, टेबल नंबर आ गया, ऑर्डर नंबर, टाइम आ गया और दोनों आइटम आपके पास आ गए क्वांटिटी वाइज। इसको जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो ये टेबल नंबर 3 मेरा होल्ड हो गया। अब जब भी वेटर आएगा आप उसको, अब वेटर कहता है मुझे 3 पे और कुछ चाहिए, तो आप 3 पे क्लिक करके मजीद आइटम पंच करते रहेंगे और क्यूटी निकालते जाएंगे। लास्ट में आप क्या करेंगे, आप बिल, अब वेटर बिल मांगेगा, आप इसमें आ गए सॉफ्टवेयर में, आपने यहाँ पे देख सकते हैं पे बिल का ऑप्शन है, ठीक है। अब आपने यहाँ पे पहले तो प्रिंट बिल बिफोर कैश, जब वेटर बिल लेके जाएगा फिर पेमेंट लेके आएगा पार्टी से। जब पेमेंट लेके आएगा तो आप यहाँ पे अमाउंट रिसीव करेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेटर पार्टी से 500 रुपये लेके आ गया, 500 रुपये आपने रिसीव में डाल दिए, 320 का आपने चेंज दे दिया, कैश बिल कर दिया, तो ये आपका टेबल क्लियर हो गया। यहाँ से आप देख सकते हैं और बिल आपका प्रिंट हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप अपने तमाम टेबल जो है वो मैनेज कर सकते हैं।